हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी और आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का फोर्थ यूनिट है। वैसे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग वो एट्थ सेमेस्टर में है और अभी कोई मुझे नहीं लग रहा किसी को रिक्वायरमेंट है, बट तो भी मैं अपलोड कर रही हूँ ताकि अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो अपना अरेंज कर सकता है, वो यहाँ से पढ़ सकता है। तो इस वजह से मैं अभी ये बना रही हूँ वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फोर्थ यूनिट है, मैंने थर्ड यूनिट तक के तो हर एक टॉपिक के सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हैं, बट फोर्थ यूनिट पर मैं जब फोर्थ यूनिट स्टार्ट की थी तभी ये हुआ कि एमसीक्यू आएगा पेपर में, थ्योरी नहीं आएंगे। तो मैंने क्या किया था कि उस टाइम इस चीज़ को स्टॉप कर दिया था और एमसीक्यू पे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम मैंने कॉल प्रोसेसिंग फंक्शन होता क्या है और ये कंट्रोल ऑफ स्विचिंग सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन इस पर मैंने बनाए थे वीडियो। पूरा मैंने कम्प्लीट नहीं किया था। यहाँ पर ये स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल, मैंने फर्स्ट यूनिट में भी ये टॉपिक था स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल और यहाँ फोर्थ यूनिट पे था। तो मैंने क्या किया था कि फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट दोनों को, दोनों में जो भी चीज़ें थी इस टॉपिक पे, उन सभी चीज़ों को एक ही वीडियो बनाया ताकि आपको फर्स्ट यूनिट के लिए अलग जाके ना पढ़ना पड़े, फोर्थ यूनिट के लिए अलग ना पढ़ना पड़े। इसलिए मैं दोनों चीज़ों को कम्बाइन कर दी थी और कम्बाइन करके मैंने वीडियो बनाया था। तो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल पर भी वीडियो है, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स तो टच किए हैं, कुछ टॉपिक्स पे वीडियो मैंने बनाए हैं और कुछ टॉपिक्स पे नहीं बनाए हैं। तो अगर आप लोग को, वैसे तो मुझे नहीं लगता अभी किसी को रिक्वायरमेंट है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रही हूँ, बट हाँ अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि उसे ये चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि अगर वीडियो चाहिए आपको इस टॉपिक पे, जो टॉपिक मैंने अभी तक कवर नहीं किए हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके लिए सेपरेट टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बना दूँगी, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज में रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, मुझे जानने लगता है एट सेमेस्टर में लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, बट हाँ इन प्रेजेंट अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ज़रूरत है तो मैं इन्हें कंप्लीट कर दूँगी। अदरवाइज मैं सारे सब्जेक्ट का भी, मैकेनिकल का क्वांटम भी मेरे को अरेंज हो गया है और ईसी का फिफ्थ सेमेस्टर का एक ही सब्जेक्ट अरेंज हुआ है और कुछ तो मेरे पास सेवन सेमेस्टर के जो वो क्वांटम होते हैं वो सारे सब्जेक्ट के हैं मेरे पास। तो धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ जल्दी से इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर दूँ ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद से मेरा जो जावा सीरीज चल रहा है वो चलेगा और अगर आपको इस पर ये इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट चाहिए जिसका आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बना दूँ, मैकेनिकल का छोड़ के ईसी का ही सिर्फ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, तो इस वजह से मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही नॉलेज है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए डिटेल में वीडियो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियोज़ बना दूँगी। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की आप उससे अपना कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएंगे, आपको फोर्थ यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस हो गए। इसके बाद से एक छोटा सा आउटलाइन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट आउटलाइन है आपको यहाँ पे, और यहाँ ऊपर पार्ट वन में आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको फर्स्ट पार्ट वन में वो मिलेगा क्वेश्चन और कौन से कोर्स टॉपिक्स हैं जो पार्ट टू में आपको मिलेगा। यहाँ ऊपर में ही मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट वन पार्ट टू दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस पूरे सिलेबस को। फोर्थ यूनिट के जितने सिलेबस हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो पहला तो ये मेरा पार्ट वन है जो आप देख सकते हो, इसके आउटलाइन है, इस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में मैं वो चीज़ स्पेशली दिखाना चाहती हूँ। थ्योरी तो आप मेरी वीडियो पे तो ऑलरेडी है अपलोडेड, बट फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट का नहीं है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं बना दूँगी। और थ्योरी मैं यही कहूँगी कि आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो, वहाँ से जहाँ से आपको सही लगे आप वहाँ से कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई इसमें से चाहिए, ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, इसकी बुक्स चाहिए या फिर कोई टॉपिक है जिस पे नोट्स नहीं है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस टॉपिक पे, अगर नोट्स चाहते हो तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, अगर लेक्चर चाहते हो तो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप जो चीज़ चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पर स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के, इलेक्ट्रॉनिक स्विच कह रही हूँ, AKTU के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी हेल्प के लिए आई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चों, मेरा भाई खुद है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी।
इसलिए मैं चाह रही थी कि मेरे थ्रू ही आपकी हेल्प हो जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। तो इस वजह से मैं आप लोग के लिए इतनी हार्ड वर्क कर रही हूँ। बट आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा और तभी मैं आप लोग के लिए वो चीज़ अरेंज कर पाऊँगी। जहाँ से भी हो सकता है मैं अरेंज करती हूँ, अगर मुझसे जितना हो सकता है मैं उतनी कोशिश करती हूँ, और जैसे ही अरेंज होता है मैं वो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कीजिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कौन से टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आपको चाहिए। लास्ट मोमेंट पर नहीं, क्योंकि पिछली बार मुझे लास्ट मोमेंट पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इस सब्जेक्ट पर बना दीजिए, उस सब्जेक्ट पर बना दीजिए, तो लास्ट मोमेंट पर मैं नहीं कर सकती ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि आपको क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, और अदर ब्रांच का नहीं कह रही हूँ, ओनली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का, क्योंकि मैं उन्हीं का बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, अदर ब्रांच के मैं क्वांटम प्रोवाइड कर सकती हूँ, अगर मैं अरेंज कर पाऊँगी। आप बता दो मुझे इस सेमेस्टर का ये चीज़ चाहिए, तो मैं अरेंज कर पाऊँगी, तो मैं आप लोग को वो चीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर नहीं अरेंज कर पाती हूँ तो नहीं करूँगी, बट हाँ पूरी कोशिश करती हूँ अरेंज करने की, जहाँ से जो भी अरेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये PDF मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ ताकि जूम रहेगा तो आप लोग को अच्छे से और हर एक चीज़ दिखेगी, हर एक वर्ड दिखेगी, ताकि आप अच्छे से नोट कर सको अपने कॉपी में, या स्नैपशॉट ले सको, जो भी चीज़ आप लोग को सुटेबल लगती है उस तरह से आप लोग ये अपना अरेंज कर सको। तो इसलिए मैं जितना जूम हो सकता है उतना जूम करके दिखाती हूँ। प्लस मैं इसके जो बाद वीडियो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के लिए। जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ वो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जहाँ अलग अलग जगह से चीज़ें अरेंज करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको, क्योंकि मुझे कमेंट एक बार आया था कि मैम आप ये सब चीज़ें कहाँ से अरेंज करते हो, कैसे करते हो, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखा दूँगी। और प्लस अगर आपको उसमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी, या अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं एक वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी किसी वीडियो में, और आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए।
आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंप्लीट करते हुए 5th यूनिट। तब तक के लिए बाय बाय।